बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर रात के समय अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए और चोरी करने का प्रयास किया। यह घटना शेष नगर पौनी की है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत परिसर में लगे मोटर पंप से तार निकाल कर चोरी की गई। यह घटना शनिवार में प्रकाश में आई। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घर निर्माण में पानी डाल रहे बाप बेटी की पिटाई कर दी गई। यह घटना नेहरू वार्ड बेला में घटी। आरोपी का नाम सुक्कू कुथे, उम्र 35 वर्ष है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सड़क के मोड़ पर दो बाइक टकरा गई। मुआवजे को लेकर दो गुटों में गाली गलौज और मारपीट हुई। भंडारा पुलिस ने दो गुटों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शराब पीकर सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सावरबंद निवासी जयंत ईश्वरदास बडवाई, गोंडसावरी निवासी नीरज भैया टेकाम वाहन चालकों के नाम है। पुलिस ने जवानगर वर्टी साकोली थाना अंतर्गत जुए और शराब के जुए पर छापा मार कर 7,155 रुपए का माल जब्त किया। दिनेश नारायण लिमजे, उम्र 24 वर्ष, निवासी चांदनी चौक भंडारा से सट्टा सामग्री और नकदी समेत 355 रुपए जब्त किए गए। मास्टर भर्ती समय हाजिरी लगाने के लिए खड़ा नहीं होने की बात को लेकर रोजगार सेवक और मजदूरों के बीच बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दी। दिघोरी पुलिस ने एक दूसरे की शिकायत पर दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।